नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है, देखिएगा आपकी करियर और धन की जो रेखा है इस तरह से आती हुई और इस तरह से यहाँ पे जा रही है और एक रेखा इसको काट रही है। मनी भाग्य स्थान पर एक रेखा काट के एक आकार बना रही है। निश्चित रूप से अभी कुछ समय तक जो करियर और धन का मामला है उसमें उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी बहुत अच्छा चलेगा, कभी थोड़ा डाउन रहेगा, लेकिन उतार चढ़ाव बना रहेगा। जीवन काल के 35वें वर्ष से धन के बहुत सुंदर योग आपके बन रहे हैं और जीवन काल के 55वें वर्ष तक धन का योग बहुत अच्छा बना रहेगा। जीवन काल के 42वें वर्ष में बहुत बड़ी तरक्की यहाँ पे दिखाई दे रही है। राजयोग जो आपका है ना, वो उस राजयोग जो है उन्नति की ओर आपको ले जा रहा है, लेकिन अभी कुछ समय तक उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी बहुत अच्छा चलेगा, कभी डाउन रहेगा, कभी अस्थायित्व में बहुत कमी आ जाएगी, चीज़ें बनी रहेगी, लेकिन आपको लगा रहना है। जीवन काल के 35वें वर्ष से धन के योग अच्छे हैं, प्रगति के योग अच्छे हैं। अब राजयोग किस तरह से बन रहे हैं और क्या क्या सुंदर भव्य चिन्ह आपकी हथेली में है, बहुत कम हथेली में ऐसे चिन्ह होते हैं। देखिएगा यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो ये मरकरी का माउंट है इसमें जो उंगली है ये इस तरह से खड़ी है और आपकी सूर्य उंगली के पहले पौरवे तक पहुँच रही है, मानी ऊपर ये है पर नीचे नहीं है। निश्चित रूप से ये अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप देखेंगे जिस तरह से आपने हथेली भेजी है उस हिसाब से हम देख रहे हैं। अब पता नहीं आपने सीधी भेजी नहीं है कि नहीं भेजी है, मैंने 2-3 बार आपसे हाथ मंगाया लेकिन इसी तरह का आपकी हथेली आई है। हाँ, अगर फोटो के हिसाब से देखें तो ये जो आपकी कनिष्ठा उंगली है वो इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है, अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर हम प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता है। अगर ये व्यक्ति नौकरी करे न, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, अच्छे लेवल का व्यक्ति होते, अच्छे पद का व्यक्ति होता है, उच्च वर्ग का ऐसा व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में करता है। क्यों? क्योंकि ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। दूसरी अगर बात करें हम, आपका बुद्ध का पर्वत भी अत्यंत सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर है, एकदम पुष्ट और सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। आने वाले समय में जब करियर और धन की रेखा बलिष्ठ हो जाएगी, प्रभाव देने शुरू कर देगी, और वो है 35वां वर्ष और 42वां वर्ष, जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे 99.9% मामले में पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा और जीवन में यदि आप योजना बनाकर चलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। और ऐसा व्यक्तित्व आपका उभर कर आने वाला है बुद्ध की तरफ से कि जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे और उसका भी लाभ आपको मिलेगा। बुद्ध का पर्वत अगर शानदार स्थिति में देखें तो सही रूप से विकसित अवस्था में आपकी हथेली में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी ये आपको माहिरता हासिल करवाएगा। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये गुण आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में आने वाले हैं और व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी। बुद्ध का पर्वत लचीला भी है, दबाएंगे तो लचीलापन है इसके अंदर,
जैसा दिखाई दे रहा है और लालिमा भी है, ठीक है ना। ये बता रहा है कि ठीक समय की आपको तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल है। उंगली भी श्रेष्ठ है, पर्वत भी श्रेष्ठ है। ये है आपका सूर्य का पर्वत, ये उंगली सीधी खड़ी है और यहाँ पे इस उंगली से जो है बड़ी दिखाई दे रही है और इससे छोटी दिखाई दे रही है। रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छे रूप में रहने वाली है, जोखिम उठाने की क्षमता रहने वाली है और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो हिम्मती स्वभाव भी रहेगा, गिरकर उठने की क्षमता है। और शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप यशस्वी होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलता की प्राप्ति करेंगे, सफल व्यक्ति होंगे, ये दिखा रहा है। और हमने एक चीज़ देखी है, राजयोग ऐसे लोगों का बनता देखा है। कैसा देखिएगा, जो हमारा रिसर्च है उसके अनुसार देखें और जो मेरे पास फीडबैक आता है और अभी तक का जो फीडबैक है उसमें 100% हमने ये चीज़ पाई है। आप भी देखिएगा और लिख करके फीडबैक जरूर भेजिएगा इस रिसर्च के बारे में। ये किसी किताब में नहीं लिखा है लेकिन है, अनुभव भेजिएगा क्या वास्तव में है कि नहीं है। ये उंगली जब बड़ी हो और इस उंगली के पहले पौर्व तक पहुंच रही हो, ये लंबी हो और इससे थोड़ा बड़ी हो और इससे छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत ठीक इसी तरह स्पष्ट और सुंदर अवस्था में बैठे हैं, तो ये व्यक्ति के जीवन में राजयोग की उत्पत्ति कराता है 100%। 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो तो ऐसे व्यक्ति निश्चित ही ज़्यादातर मामले में मैंने जो देखा है पाया है व्यापार की तरफ जाते हैं और व्यापार में राजयोग के कारण उत्कृष्टता हासिल करते हैं, एक पहचान बनाते हैं। और यही राजयोग आपकी हथेली में है, इसका फायदा 35वें वर्ष, 42वें वर्ष और 45वें वर्ष में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा अनगिनत रूप में मिलेगा। अब देखिएगा क्यों मैं कह रहा हूँ, उससे पहले थोड़ा सा आपका शनि की उंगली देख लेते हैं। शनि की उंगली भी सीधी खड़ी है, मनी कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है आपका, मेहनती है, मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। ये उंगली भी सीधी खड़ी है, बृहस्पति की उंगली ये बता रही है कि लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके अंदर यहाँ पे है। अंगूठा पीछे की तरफ झुका हुआ है और शुक्र का पर्वत उठा हुआ है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व भी आपका है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा, ग्लैमर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा, एक लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा। और ये मुड़ रही है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद्द होगी और जो है एक व्यवहारिकता भी बहुत ज़्यादा रहेगी, चुटकी बजाते ही दोस्त बनाना, ये चीज़ें भी रहेगी आपके अंदर। और यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में एक यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी रहेगा, भावुकता भी रहेगी अंदर, तहजीब पसंद व्यक्तित्व रहेगा आने वाले समय में, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्रूरता निष्ठुरता आपको नहीं छू पाएगी, इंसान बहुत अच्छे हैं आप। अब यहाँ पे देखिएगा, एक तो ये, एक कट ये, एक कट ये, अभी एक दो और तीन कट यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा ये बहुत लकी व्यक्तियों के हाथ में होता है लेकिन ये थोड़ा सा लेट अचानक तरक्की दिखता, बहुत बड़ी तरक्की 42वें वर्ष से जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है।
अचानक बहुत बड़ी तरक्की आपको जीवन काल के 42वें वर्ष से मिलेगी। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को ये दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब तरक्की अपनी सीमा पे पहुँचेगी तो ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर आएगी, इससे थोड़ा आपको संभल कर चलना है। धार्मिकता भी साथ साथ में आती हुई दिखाई दे रही है। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने बैठ जाएंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए आपका ये अंगूठा जीवन काल के 42वें वर्ष से बहुत अत्यंत फलदायक व्यवसायी इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। व्यवसाय में विशेष सफलता को दिखा रहा है जीवन काल के 42वें वर्ष से, और इसको पुष्ट कर रही है आपके भाग्य स्थान का ये चिन्ह। देखिएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ये इस प्रकार से जो है आपकी हथेली में एक चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी पूरा नहीं बना ये, लेकिन ये बनेगा पूरा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ये देखिएगा, ये ठीक है ना, पूरा नहीं बना है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसमें जो है इस प्रकार से पद्म का चिन्ह बन रहा है। अभी शुरुआत हुई है, शुरुआत हो गई है, मैंने संकेत दे दिया है कि भाग्य आपका बड़ा प्रबल है, राजयोग है आपके, और जीवन काल के 42वें वर्ष से इसका फायदा मिलेगा। 35वें वर्ष से धन के योग तो हैं, लेकिन 42वें वर्ष से जो राजयोग है और भाग्य का जो साथ मिल रहा है, क्या कह रहा है ये पद्म का चिन्ह? कह रहा है यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डाल सकते हैं या उत्पादन संबंधी बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी काम, और इसमें बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा, और ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि ऐसा जातक इतना धनवान हो जाता है कि अकेले खुद के बलबूते पे इतना धन संपदा जोड़ता है कि उसकी कुछ पुश्तें बैठकर उस धन को खा सकती हैं। इस प्रकार की चीज़ें आपकी हथेली में दिखाई दे रही, भाग्य का बहुत बड़ा साथ। अब यहीं पे नहीं रुक रहा है, ये सूर्य का जो पर्वत है, अगर ध्यान से अगर देखें, इसमें भी कुछ जो है इस प्रकार की रेखाएं बन रही हैं, और ये बाद में पूरा पद्म का चिन्ह बन जाएगा। और जीवन काल के 42वें वर्ष से अपने जॉब में, जिस भी फील्ड में आप करियर बना रहे हैं, उस फील्ड में आप टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे, टॉप मोस्ट हो जाएंगे। विदेश में यात्रा करना, जीवन काल में शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छूना, नेम फेम बहुत मिलेगा आपको, बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नज़रों से देखेंगे, कार्यों को विस्तार मिलेगा, फैलाव मिलेगा, नाम यश होगा, चकाचौंध रहेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी जीवन काल के 42वें वर्ष से, उससे पहले नहीं। 35वें वर्ष से धन के योग हैं, लेकिन नॉर्मल धन के योग हैं, उस लेवल के नहीं हैं, उस लेवल के योग हैं 42वें वर्ष से। यहाँ पे अगर ये रेखा आपकी देखी जाए तो सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति से मिलन कर रही है, अत्यंत सुंदर व्यक्तित्व। देखिएगा आपका जो व्यक्तित्व रहने वाला है ना, वो सबके लिए सोचने वाला रहेगा, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, और बुद्धिमान होंगे, तेजस्वी होंगे, जिसको भी प्रेम करते हैं आप, अपने हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं आप, साथ निभाने में भी अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, स्वाभिमानी भी है, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, दिक्कत नहीं है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। और जिस प्रकार के सूर्य पे शनि पे निशान बन रहे हैं, मान पद प्रतिष्ठा और उत्तम श्रेणी में आएंगे,
और जीवन में चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। मस्तिष्क की रेखा इस तरह से, थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखिएगा, अपनी स्वतंत्र विचारधारा पे काम करिएगा, दूसरों की विचारधारा पे काम मत करिएगा, दूसरे के निर्णयों पे मत चलिएगा। अगर ऐसे अगर आप करेंगे, खुद की विचारधारा पे काम नहीं करेंगे, दूसरों के कहने पे करेंगे, दूसरों की विचारधारा पे काम करेंगे या दूसरों के मस्तिष्क शक्ति की पे काम करेंगे, तो जीवन में वो तरक्की नहीं मिल पाएगी। इस चीज़ की सावधानी रखें। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, केतु की तरफ जा रही है। अब देखिएगा प्रैक्टिकल रूप से जो मैंने हथेली के अध्ययन में पाया है, ऐसे लोग अपने जीवन में निरंतर उन्नति तो करते हैं, लेकिन जन्म स्थान से दूर ज़्यादा ऐसे लोग उन्नति करते हैं, जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, ऐसे लोग निरंतर उन्नति तो करते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव और संघर्ष भी इनके पीछे पीछे चलता है, और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। दूसरी बात, लेकिन ऐसे लोग कर्म ऐसे करते हैं कि अंत में एक दिव्य पुरुष की तरह, एक दिव्य आत्मा की तरह इनको परिनिर्माण की प्राप्ति होती है और सीधा सीधा श्री हरि के चरणों में जगह मिलती है। बहुत सुंदर। और देखिएगा यहाँ पे इस तरह की जो है एक मछली का चिन्ह भी बन रहा है, केतु का प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी रहेगा, यात्राओं का लाभ भी आपको मिलेगा। ये जहाँ से शुरू हो रहे हैं वहाँ बता रहा है कि जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर था कहीं ना कहीं उलझन रही है या संघर्ष रहा है, लेकिन रहा है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा से एक रेखा इस तरह से जारी है, जीवन में आने वाले समय में एक से ज़्यादा स्रोतों से धनार्जन करने का प्रयास भी करेंगे और कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहने वाली है। यहाँ पे इस तरह से अगर देखें हृदय रेखा पे एक बन रहा है, मनी भूमि का लाभ होने वाला है इनको, ये बता रहा है। अंगूठे के नीचे का इस हिस्सा को देखें, ये शुक्र का पर्वत, आप लोग भी जानते हैं ना, शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका सुंदर और पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में बड़ा खूबसूरत है, ये उभरा हुआ भी है, तेजोमय अवस्था में भी है, आपको भी ये तेजस्वी रखेगा, कहीं ना कहीं आपके चेहरे को भी बहुत सुंदरता प्रदान करेगा, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान रहेगा, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता देगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहना, ये चीज़ ज़्यादा आपके साथ रहेगी। और आने वाले समय में जब करियर और धन की रेखा स्पष्ट अवस्था में आ जाएगी, ये चकाचौंध रखेंगे आपको, चमक देंगे, नाम और यश देंगे, ग्लैमर देंगे आपको, और एक खास व्यक्तित्व आपको देगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छे हैं, पराक्रम जीवन भर बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। यहाँ पे बृहस्पति देखा जाए, ठीक है, बृहस्पति आने वाले समय में अगर देखा जाए तो जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहाँ पारिवारिक सुख मिलने की संभावना भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। शनि बता दिया है, सूर्य बता दिया है, बुध बता दिया है, चंद्रमा ठीक ठाक है, आगे प्रबलता लेता हुआ दिखाई दे रहा है, मानसिक रूप से आगे मजबूती आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे कॉन्फिडेंस लेवल इनका बढ़ जाएगा। शरीर में या मन में कोई भी समस्या हो, आने वाले समय में मजबूती आएगी, मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, हार्मोनल सिस्टम इनका बढ़िया हो जाएगा,
और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव रहेंगे और छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच बनी रहेगी और इसका फायदा इनको बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, उपाय भी भेज रहा हूँ मैं विधिवत तरीके से लिख करके। दो उपाय हैं, एक करियर और धन की रेखा का है। अगर करियर में और धन में स्थायित्व चाहते हैं तो रात्रि का एक उपाय है महालक्ष्मी का, उसको मैं दे रहा हूँ, और एक उपाय है आपके सूर्य का, उसको भी मैं दे रहा हूँ। करने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, एक जादुई तरीके से लाभ आपके जीवन में मिलेगा, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।